बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फैसल प्रॉपर्टीज़। और मैं हूं सईद मुजाहिद। व्यूवर्स, आज हम आए हैं DHA फेज 6 लाहौर, जहां विजिट करने जा रहे हैं दो कनाल मेंशन। व्यूवर्स, घर की कंप्लीट डिटेल वीडियो के अंदर ही शेयर की जाएगी। 8 बेड की अकोमोडेशन के ऊपर आपको घर ये सेल के लिए अवेलेबल है। DHA फेज 6 की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये घर लोकेटेड है। ये व्यूवर्स, इसकी वाइड रोड आपको दिखा दूँ। एलिवेशन के अंदर प्रॉपर ग्रे कलर की टाइल के साथ इसका एलिवेशन को कवर किया गया। फर्दर आप आगे आते हैं तो ये इसका एक्सटर्नल लॉन का एरिया व्यूवर्स, जो कि प्रॉपर इसको मेंटेन किया गया ग्रास और प्लांटर्स के साथ। फर्दर आप आगे आते हैं तो आपका जो कार रैंप का एरिया, जो कि टोटली इसको टाइल के साथ कवर किया गया। मेन गेट इसका व्यूवर्स स्लाइडिंग रखा गया। ये भी हम फर्दर आगे आते हैं तो इसके कार गराज का एरिया, जहाँ पर आपको ईजिली 4 से 5 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करने की आपको पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं इसका मेन गेट स्लाइडिंग। राइट साइड के ऊपर इसका इंटरनल लॉन का एरिया, अभी उसका भी ओवरव्यू करवाता हूँ आपको। 3 साइड इसकी ओपन गैलरी एरिया व्यूवर्स। बैक साइड के ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसके सर्वेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं 2। कार गराज की फ्रंट वॉल के अंदर भी प्रॉपर ग्रे कलर की टाइल के साथ आपको वॉल कवर्ड मिल जाती है। मोज़ेक का भी आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है। रिमेनिंग वॉल के अंदर आपको ग्राफिक के साथ आपको इसकी वॉल कवर्ड मिल जाती है आउटर। इंटरनल लॉन की बात करें तो व्यूवर्स, इंटरनल लॉन को प्रॉपर यहाँ पे भी मेंटेन किया गया, प्रॉपर ग्रास के साथ प्लांटर्स के साथ इसको प्रॉपर मेंटेन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे वॉल्स के अंदर आपको गेन ग्राफी के साथ इसकी वॉल कवर मिल जाती है, बाउंड्री वॉल्स। सिक्योरिटी फीचर्स में आपको यहाँ पे CCTV कैमराज, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर आपको यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे। व्यूवर्स, इसकी एक प्लस फीचर इसका ये भी है इसके ग्राउंड का, इंटरनल लॉन का, कि जहाँ पे आपको एक प्रॉपर इसके फायरप्लेस एरिया डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आप इसकी वॉल देख सकते हैं, प्रॉपर वुड के साथ इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है। यहाँ से आपको इसके बेसमेंट के पूल का भी ओवरव्यू मिलता है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं। 8 बेड की अकोमोडेशन दी गई है आपको इस घर में, प्रॉपर मेंटेन इसका इंटरनल लॉन आपको यहाँ से इसका कम्प्लीट ओवरव्यू। और एलिवेशन का आपको अंदर से भी इसका ओवरव्यू करवा दूँ, आप देख सकते हैं ग्रे कलर के साथ इसको कवर किया गया, ग्रे कलर की टाइल्स एलिवेशन के अंदर यूज़ की गई हैं। वुडन लोअर्स का भी यूज़ मिलता है आपको एलिवेशन में। अभी हम चलते हैं इसकी मेन अकोमोडेशन की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। मेन एंट्रेंस आपको यहां से दी गई है, देख सकते हैं प्लांटर्स आपको मिल जाते हैं। गैलेक्सी ग्रेनाइट का यूज़ किया गया स्टेप्स के ऊपर। 14 फीट हाइटेड आपको यहाँ पर सॉलिड वुड का डोर डिज़ाइन मिल जाता है। फर्दर आप आगे आते हैं, घर के अंदर एंटर होते हैं व्यूवर्स तो आपको डबल हाइटेड लॉबी आपको घर के अंदर वेलकम करती है। ये आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे एक शैंडलियर दिया गया डबल हाइटेड लॉबी के अंदर। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर आपको पाउडर रूम की अवेलेबिलिटी मिलती है। ये आप इसका पाउडर रूम देख सकते हैं, ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर कस्टमाइज वेंटी, वॉल हैंगिंग कमोड भी ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलेगा। रिमेनिंग वॉल्स के अंदर आपको टोटली टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। इसके बाद राइट साइड के ऊपर इसका ड्राइंग रूम है, ये आप देख सकते हैं इसके ड्राइंग रूम फ्लोर के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग, कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पे इसका चिलर इंस्टॉल दिया गया। उसके बाद आपको फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो है। फीचर्ड वॉल की बात करें तो फीचर्ड वॉल के अंदर आपको कस्टमाइज पेंटिंग का यूज़ मिल जाता है। रिमेनिंग राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कुशनिंग का यूज़ दिया गया है। इस साइड की वॉल के अंदर भी आप देख सकते हैं कुशनिंग के साथ और रॉब लाइट्स का यूज़ किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन के अंदर आपको वुडन टेक्सचर के सीलिंग डिज़ाइन और बड़े साइज़ का आपको शैंडलियर यहां पे इंस्टॉल मिल जाएगा। इसके साथ ही व्यूवर्स, इसका TV लॉन्च एरिया डिज़ाइन आपको उसका ओवरव्यू करवाऊँ। ये इसका व्यूवर्स TV लॉन्च एरिया, वॉल्स के अंदर अगेन आपको कुशनिंग के साथ आपको इसकी वॉल कवर्ड की गई हैं। वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं आप ग्राउंड की एक्सेस आपको यहां से इसके TV लॉन से भी मिल जाती है। फ्लोर के अंदर आपको अगेन यहां पे वुडन फ्लोरिंग, मल्टीमीडिया वॉल के अंदर भी बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, आप देख सकते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको कुशनिंग का यूज़ मिलता है। राइट साइड कॉर्नर के अंदर आपको वुड के साथ डिज़ाइनिंग की गई है और बॉटम पर आपको इसका फायरप्लेस एरिया डिज़ाइन मिलेगा। इसके बाद व्यूवर्स, अभी हम इसकी मेन एंट्रेंस से ही आपको बाकी चीज़ों का ओवरव्यू करवाते हैं। अभी हम TV लॉन्च और ड्राइंग रूम का ओवरव्यू करने के बाद आगे आते हैं
तो आप फ्लोर के ऊपर देख सकते हैं इंपोर्टेड टाइल का यूज़ किया गया है। व्यूवर्स, ये इसका डाइनिंग रूम एरिया है, जो कि अभी व्यूवर्स यहाँ से अभी हमने सामान इंपोर्ट किया बाहर से, तो जिसकी वजह से अभी ये थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ है। तो ये एक आपको तैयार करके दिया जाएगा प्रॉपर इसको। तो ये अभी चीज़ें हमने बाहर से दुबई से इंपोर्ट की हैं, कुछ चीज़ें बाहर यूएसए से इंपोर्ट की हैं, तो जिसकी वजह से अभी ये यहाँ पे मैसी है। तो आप देख सकते हैं अभी प्रॉपर इसकी वॉल्स के अंदर तो हमने काम कर दिया हुआ है, बाकी आपको यहाँ पे इसको फ्रेश आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया जाएगा। ऊपर आप सीलिंग डिज़ाइन के अंदर देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये शैंडलियर मिल जाएगा। इसके बाद आप आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के लिए और बेसमेंट के लिए स्टेयर्स हैं। इसके साथ ही आपको इसके किचन की अवेलेबिलिटी दी गई है। किचन में आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो आपको यूवी शीट्स और मर्करी ग्लास के साथ इसकी कैबिनेट डिज़ाइन, राइट साइड के ऊपर आपको टू डोर रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन। फर्दर आप आगे आते हैं तो स्लैब्स के ऊपर आपको कुरियान का यूज़ मिलेगा। उसके बाद सेंटर के अंदर आपको कंसोल डिज़ाइन किया गया, जिसके बॉटम्स पे भी आपको ड्रॉज मिलेंगे। सेंटर के अंदर आपको इसका फायर बर्नर, ऊपर स्मार्ट रेंज हुड, वॉशिंग के लिए भी आपको स्पेस अवेलेबल है। इसके बाद व्यूवर जी, इसके साथ ही इसका ग्रेजी किचन, इसकी सेपरेट एंट्रेंस भी आपको इसी गैलरी एरिया से मिल जाएगी। इसके बाद अभी हम चलते हैं इसकी बाकी अकोमोडेशन की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। टू बेड्स की अकोमोडेशन मिलती है आपको इसके ग्राउंड फ्लोर पे। व्यूवर्स, इस घर के अंदर आपको लिफ्ट भी इंस्टॉल मिल जाएगी। लिफ्ट का यूज़ करके आप इसके बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे आप आ सकते हैं। इसके बाद ये व्यूवर्स, इसका ग्राउंड फ्लोर का बेड फर्स्ट है, आप देख सकते हैं। इसके फ्लोर्स के अंदर भी आपको वुडन फ्लोरिंग, वॉल्स के अंदर आपको वॉलपेपर का यूज़, फीचर्ड वॉल के अंदर आपको कुशनिंग का और वुड का आपको काम मिल जाता है। उसके साथ ही आपको सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे खूबसूरत एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन, वेंटिलेशन के लिए विंडो अवेलेबल आपको। उसके बाद ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम में आप देख सकते हैं आपको इसकी कस्टमाइज वेंटी वॉल हैंगिंग कमोड का यूज़ मिल जाता है। प्रॉपर ग्रे कलर की टाइल वर्क किया गया है इस वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर ही आपको मर्करी ग्लास की फुल साइज़ की आपको यहाँ पर इसकी वार्डरोब भी डिज़ाइन मिलेगी। इसके बाद अभी चलते हैं हम इसके बेड सेकंड में, उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। बेड सेकंड भी व्यूवर्स, अभी इसका थोड़ा सा मेंटेन होने वाला है उसके, क्योंकि अभी चीज़ें कुछ फ्रेश इंपोर्ट की हैं बाहर से, तो अभी इंस्टॉल होने वाली हैं। तो आपको यहां से वैसे इसका ओवरव्यू करवा रहा हूं कि इसका बेड सेकंड है, इसको भी प्रॉपर आपको डिज़ाइन करके दिया जाएगा विद अटैच वॉशरूम है। इसके बाद अभी हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए यहाँ पे आपको स्टेयर्स इंस्टॉल मिलेंगी, जो कि सॉलिड वुड के साथ इसकी स्टेयर डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्स के अंदर आपको मोल्डिंग्स का पेंट वर्क बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ से भी हम इसकी ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स। अभी हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर, आप देख सकते हैं ऊपर से इसकी डबल हाइटेड लॉबी, कस्टमाइज आपको इसका शैंडलियर डिज़ाइन बड़े साइज़ का। इसके फ्रंट साइड के ऊपर आपको इसकी कस्टमाइज पेंटिंग, डबल हाइटेड बड़े साइज़ की आपको इसकी कस्टमाइज पेंटिंग भी इसके साथ ही वॉल के अंदर इंस्टॉल मिल जाती है। फिर एंट्रेंस पे भी आपको एक बड़े साइज़ का शैंडलियर। आपको इस साइड से इसका ओवरव्यू करवाऊँ, जहाँ से भी हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आप देख सकते हैं इस एरिए को भी कितना फुल मेंटेन्ड आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है। इस एरिए को भी प्रॉपर डिज़ाइन किया गया, शैंडलियर प्लांटर्स आपको इंस्टॉल मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्लोर के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग, इसके बाद इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन की भी अवेलेबिलिटी मिलेगी, देख सकते हैं। इसको भी डिज़ाइन किया गया यूवी शीट्स के साथ, फायर बर्नर और आपको यहाँ पे वॉशिंग के लिए भी स्पेस अवेलेबल है। इसके साथ भी एक ओपन टेरेस की भी अवेलेबिलिटी है, आप देख सकते हैं इसका ओपन टेरेस। नीचे आपको टोटली टाइल वर्क मिल जाता है लाइट ग्रे कलर की। फर्दर थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो वन स्टेप आपको यहाँ पे वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर एक सिटिंग के लिए आपको यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। सोफ़ाज आपको यहाँ पे ओपन इंस्टॉल मिलेंगे, आपको सेंटर टेबल भी दिया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पर इसकी फायर प्लेस एरिया की भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। उसके बाद आपको प्लांटर्स इंस्टॉल मिल जाते हैं। वॉल्स के अंदर भी आपको गेंद टाइल वर्क और सीएनसी आयरन का आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाएगा।
उसके बाद अभी आगे आते हैं यहाँ से, तो आपको यहाँ पे एक बेड की अवेलेबिलिटी दी गई है, 3 बेड्स की भी आपको अकोमोडेशन मिलती है आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे। ये भी वर्ड जिसका बेड फर्स्ट है, अभी ये भी थोड़ा सा मैसी है, अभी ये क्लीन होने वाला है तो आपको ये क्लीन करके दिया जाएगा। फर्दर आप आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगेन इसकी ये डबल हाइटेड लॉबी के साथ ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको एक यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी सिटिंग के लिए एक स्पेस अवेलेबल है, टीवी लॉन्ज एरिया इसके फर्स्ट फ्लोर का देख सकते हैं। फ्लोर के अंदर आपको अगेन वुडन फ्लोरिंग मोल्डिंग्स का बहुत ही खूबसूरती के साथ वॉल्स के अंदर काम किया गया, पेंट वर्क बहुत ही यूनिक का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सोफ़ाज़ आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेंगे, साइड टेबल्स के ऊपर लैंप्स दिए गए हैं, बैक साइड के ऊपर आपको यहाँ पे कंसोल भी दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं ये इस साइड पर इसकी मल्टीमीडिया वॉल है। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट रखा गया, अगेन यहाँ पे गोल्डन कलर का शैंडलियर कस्टमाइज, इसके साथ इसके अटैच वॉशरूम अटैच वॉशरूम नहीं, इसके साथ इसका टीवी लॉन्ज एरिया का एक स्टोर रूम की अवेलेबिलिटी है। फर्दर आप आगे आते हैं यहाँ से टीवी लॉन्ज से बाहर निकल के तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लिफ्ट की भी अवेलेबिलिटी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी बेड सेकंड की अवेलेबिलिटी मिलेगी, वॉल्स के अंदर आपको नोवा पेंट का यूज़ मिलेगा। उसके बाद ये इस साइड के ऊपर इसकी फीचर्ड वॉल है व्यूअर्स, बेड आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, बैक साइड की वॉल के अंदर आपको गेन कुशनिंग का यूज़ दिया गया है। इसके साथ आपको यहाँ पे एक ओपन टेरेस की भी अवेलेबिलिटी है इस रूम के साथ, ये आपको रूम के अंदर से दिखा रहा हूँ, प्रॉपर आपको सिटिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, वॉल्स के अंदर आपको CNC आयरन का यूज़ मिलेगा और प्लांटर्स आपको इंस्टॉल मिलेंगे। इसके बाद व्यूअर जी इसका अटैच वॉशरूम देख सकते हैं, वॉशरूम के अंदर वार्डरोब इसकी दी गई मर्करी ग्लास और यूवी शीट्स की कस्टमाइज, आपको यहाँ पे इसकी वेंटी मिलेगी, वॉल हैंगिंग कमोड का यूज़ मिल जाएगा आपको, सेपरेट शावर कैबिन एरिया। व्यूअर जी आपको चीज़ें देख के महसूस हो रहा होगा अभी थोड़ा सा डर्टी है, इसकी थोड़ी सी सफाई वगैरह का होने वाली है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैसी है, तो इस चीज़ को काइंडली मेंशन मत कीजिएगा, ये आपको बिल्कुल साफ़ और क्लीन करके दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर जी इसका फर्स्ट फ्लोर का बेड 3rd है जो कि अभी है ना इसके लॉक में इशू है जिसकी वजह से इसको लॉक किया हुआ है। अभी हम कर रहे हैं व्यूअर्स इसका रूफटॉप, उसका ओवरव्यू करते हैं, इसका रूफटॉप भी डिज़ाइन किया गया है उसका ओवरव्यू करवा देते हैं आपको। व्यूअर्स ये इसका रूफटॉप है जो कि प्रॉपर डिज़ाइन किया गया सिटिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए आपको प्रॉपर सिटिंग स्पेस अवेलेबल है, फ्लोर के अंदर टाइल वर्क किया गया है, सिंथेटिक ग्रास का यूज़ मिल जाएगा आपको, प्लांटर्स आपको इंस्टॉल मिलेंगे, बारबेक्यू के लिए आपको यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। अगेन यहाँ से भी आपको इसका ओवरव्यू करवाऊँ, थोड़ा सा आगे से आके आपको लेफ्ट साइड का भी ओवरव्यू करवा देता हूँ रूफ टॉप का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको प्रॉपर नीचे बैठने के लिए भी सिटिंग के लिए स्पेस दी गई है, सिंथेटिक ग्रास का यूज़ किया गया है और बारबेक्यू के लिए आपको यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है। ये भी वो जिसका था रूफटॉप, तो और भी हमने इसके फर्स्ट फ्लोर का भी ओवरव्यू कर लिया, तो अभी हम चल रहे हैं इसके बेसमेंट की तरफ, उसका ओवरव्यू करते हैं। व्यूअर्स अभी हम आ गए हैं इसके बेसमेंट में, ये आप देख सकते हैं बेसमेंट के अंदर आपको 3 बेड्स की अकोमोडेशन मिलेगी, एक सिनेमा हॉल की अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको, एक स्विमिंग पूल की अवेलेबिलिटी दी गई है। यहाँ से अभी हम बेसमेंट में एंटर हुए हैं तो आप देख सकते हैं ये इसकी एंट्रेंस है, सॉलिड वुड की स्टेयर्स के नीचे आपको यहाँ पे एक पाउडर रूम की अवेलेबिलिटी मिलेगी, आप उसका ओवरव्यू कर लें, देख सकते हैं आपको कस्टमाइज वेंटी वॉल हैंगिंग कमोड का यूज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे ग्रोही की एक्सेसरीज दी गई है आपको पाउडर रूम में, टोटली इसको टाइल के साथ कवर्ड किया गया है। इसकी राइट साइड के ऊपर आपको बेसमेंट के अंदर भी एक ओपन किचन की अवेलेबिलिटी दी गई है, उसका भी ओवरव्यू करवा देते हैं, ये आप देख सकते हैं
फ्लोर के अंदर आपको सिंथेटिक का यूज़ मिलेगा, टाइल वर्क किया गया है, आपको यूवी शीट्स है इसकी बॉटम में, कैबिनेट्स, फायर बर्नर और इसके वॉशिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है। अभी हम यहाँ से एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं लेवल प्लेइंग की गई है व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरती के साथ। टू स्टेप डाउन आपको इसका एक ओपन टीवी लॉन्ज एरिया, ये आप देख सकते हैं इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी जिसमें आपको कस्टमाइज्ड पेंटिंग का व्यू आ रहा है और बड़े साइज का शैंडलियर। फ्लोर के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग, मल्टीमीडिया वॉल के अंदर आपको वुड के साथ ट्रेवन टैंक का यूज़ मिलेगा, आपको इसके चिलर का भी यहाँ पे यूज़ दिया गया है, फायर बर्नर, आपको इसका फायरप्लेस एरिया, इसको बॉटम पे आपको इसका डिज़ाइन किया गया। इसके बाद व्यूअर्स एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपको इसकी एक बेड की अवेलेबिलिटी मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। फ्लोर के अंदर आपको यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग, फीचर्ड वॉल के अंदर आपको मोल्डिंग्स का यूज़ और वुड का यूज़ मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो भी अवेलेबल है, ग्री का इन्वर्टर आपको इंस्टॉल मिलेगा। इस साइड की मल्टीमीडिया वॉल के अंदर भी मोल्डिंग्स का यूज़ किया गया है। सीलिंग डिज़ाइन अगेन यहाँ पे खूबसूरत इसका एलिगेंट सीलिंग डिज़ाइन। उसके बाद ये इसका अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में आपको कस्टमाइज वेंटी, वॉल हैंगिंग कमोड, सेपरेट शावर कैबिन एरिया, कंसील्ड शावर यूज़ किए गए हैं इस वॉशरूम में भी, ग्रोही की एक्सेसरीज इस वॉशरूम में भी यूज़ की गई हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ किया गया इसकी वॉल्स के अंदर और लाइट ग्रे आपको इसके फ्लोर में मिल जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम फर्दर आगे। इसके साथ ही व्यूअर्स आपको रूम के साथ एक स्टडी रूम दिया गया है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे टोटली फ्लोर के अंदर टाइल वर्क किया गया है। सेपरेट इसकी एंट्रेंस भी आपको दी गई है, आपको बाहर गैलरी एरिया साइड पे, आप यहाँ से बाहर वाली साइड को एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम चलते हैं इसके टीवी लॉन्च की तरफ। ये व्यूअर्स इसका टीवी लॉन्च एरिया बेसमेंट में, अगेन वॉल्स के अंदर मोल्डिंग वर्क और ग्रीन कलर के पेंट के साथ इसको कवर्ड किया गया है। फायरप्लेस एरिया इसका इस साइड पे आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड पे, सेंटर के अंदर अगेन बैक साइड के ऊपर खूबसूरत टाइल वर्क, ग्रीन का इन्वर्टर आपको इस साइड पे भी इस टीवी लॉन्च में भी मिल जाता है, वेंटिलेशन के लिए विंडो अवेलेबल है। आउटर वॉल के अंदर भी आपको ट्रैवल टैंक के साथ आपको इसकी आउटर वॉल डिज़ाइन की गई है। इसके बाद अभी हम चलते हैं इसके सिनेमा हॉल की तरफ। ये इसकी सिनेमा हॉल की एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसका सिनेमा थिएटर प्रॉपर इसको मेंटेन किया गया है। फ्लोर के अंदर क्लीन और वॉल्स के अंदर आपको कुशनिंग के साथ इसकी वॉल कवर्ड की गई है, ब्लैक कलर की कुशनिंग का यूज़ किया गया है इसके सिनेमा हॉल के अंदर। मल्टीमीडिया वॉल इसकी सिनेमा हॉल की आप देख सकते हैं, बॉटम पे ड्रॉज, प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। ये इसका व्यूअर्स इसका सिनेमा हॉल था। अभी हम चलते हैं इसकी बाकी अकोमोडेशन की तरफ। अगेन यहाँ से आपको इसका ओवरव्यू करवाऊँ, ये ओपन इसकी स्पेस व्यूअर्स, ये इसका बेड सेकंड है बेसमेंट का। वॉल्स के अंदर आपको लेदर की कुशनिंग का सारी वॉल्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं, इन्वर्टर आपको इंस्टॉल मिल जाता है। आपको फ्लोर के अंदर वुडन टेक्सचर टाइल का यहाँ पे यूज़ मिलेगा, ग्री का इन्वर्टर आपको इस रूम के अंदर भी इंस्टॉल मिलेगा यहाँ पे। इससे आगे ये इसका अटैच वॉशरूम है, वाइट और ग्रे कलर की थीम के साथ इसका वॉशरूम बेसमेंट का बेड सेकेंड का। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर आपको गेन यूवी शीट्स और मर्करी ग्लास की वार्डरोब वॉशरूम के अंदर ही। इसके बाद आप आगे आते हैं तो टू स्टेप अप आपको यहाँ पे इसका शावर कैबिन एरिया, जकूजी आपको यहाँ पे इसके साथ ही इंस्टॉल मिल जाता है। इसके बाद आपको इसकी वॉल हैंगिंग कमोड आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेगा। एक्सेसरीज की बात करें तो इस वॉशरूम के अंदर भी ग्रोही की एक्सेसरीज आपको इंस्टॉल मिल जाती हैं। प्रॉपर आपको ये पूरा वॉशरूम टाइल के साथ, वाइट और ग्रे कलर की टाइल के साथ कवर किया गया है।
अब चलते हैं इसके व्यूअर्स थर्ड बेड की तरफ जो कि बेसमेंट में है। ये व्यूवर्स इसका थर्ड बेड है। वॉल्स के अंदर अगेन यहाँ पे कुशनिंग का काम किया गया है। वॉल्स के अंदर, फ्लोर के अंदर आपको वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से भी एसेस दी गई है इसके स्विमिंग पूल वाली साइड पे। इन्वर्टर यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है। आपको हर रूम के अंदर इन्वर्टर इंस्टॉल मिलेगा। इसके बाद ये इसका अटैच वॉशरूम है। एंट्रेंस पे कस्टमाइज वेंटी। इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर मर्करी ग्लास की आपको वार्डरोब कमोड का यूज़ दिया गया है। और इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आपको इसका शावर कैबिन एरिया भी डिज़ाइन किया गया है। एक्सेसरीज में आपको यहाँ पे गेन ग्रोही की एक्सेसरीज मिल जाती हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके स्विमिंग पूल की तरफ, उसका ओवरव्यू करवा देते हैं आपको। अभी हम आ गए हैं व्यूअर्स इसके स्विमिंग पूल में। बहुत ही खूबसूरत इसका बड़े साइज का स्विमिंग पूल डिज़ाइन किया गया। आपको यहाँ से एक दफ़ा इसका ओवरव्यू करवाऊँ। फ्लोर के अंदर आपको वुडन टेक्सचर टाइल दी गई है इसके स्विमिंग पूल एरियाज में। रिमेनिंग वॉल्स के अंदर आपको मार्बल का यूज़ मिल जाता है। उसके बाद आपको इस साइड के ऊपर आपको प्रॉपर वॉशरूम की भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। एक स्टोर रूम दिया गया आपको, शावर के आपको शावर के लिए आपको अलग से वॉशरूम और दूसरा वॉशरूम आपको अलग से मिल जाएगा। उसके बाद आपको बारबेक्यू की स्पेस भी अवेलेबल है इसके ऊपर स्विमिंग पूल के साथ ही। टू स्टेप आप व्यूअर्स, आपको यहाँ पे सिटिंग प्लेस एक दी गई है प्रॉपर। इसका यहाँ पे आपको फाइव प्लेस एरिया भी डिज़ाइन मिलेगा। इसकी बैक साइड के ऊपर आपको सिंथेटिक ट्रेवल टैंक का यूज़ किया गया है इसके बैक साइड के ऊपर वॉल के अंदर। आपको यहाँ से एक दफ़ा इसका कंप्लीट ओवरव्यू करवा दूँ स्विमिंग पूल एरिया का। जी तो व्यूवर्स, ये था दोकनाल फुली मॉडर्न हाउस जिसका जब हमने विज़िट किया। 8 बेड की अकोमोडेशन के ऊपर आपको ये घर सेल में अवेलेबल है। इसकी प्राइस की बात करें तो व्यूवर्स, प्राइस इसकी 35 करोड़ है जो कि नगोशिएबल है। मज़ीद आप इस घर को विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इस घर को भी विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमारे दिए गए सेल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस घर की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फैसल प्रॉपर्टी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।